छोटी बड़ी संख्याएं पहचानना। हम संख्याएं तो लिखना जानते हैं, लेकिन छोटी बड़ी संख्याएं कैसे पहचानेंगे? दिए गए युग में या एक से अधिक संख्याएं दी हों, उसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी या कौन किससे बड़ी है, कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो हम अंकों की गिनती कर लें। किसी संख्या में अगर ज्यादा अंक हैं सबसे, तो वो सबसे बड़ी ही होगी। लेकिन अगर बराबर है तब क्या करेंगे? जैसे ये देखिए, इसमें तीन अंक है, इसमें एक दो तीन चार, चार अंक है, तो ये बड़ी ही हो गई। लेकिन जब अंकों की संख्या बराबर हो तब हम क्या करते हैं? तब हम सबसे दाएं बाई तरफ से देखते हैं अंक मिला मिला के। देखिए इसमें जो अगर बड़ा हो गया, ये वही बड़ा हो जाएगा। पहली बार यहाँ एक आया, यहाँ नौ आया, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या ये हो गई है। अंक बराबर हो तो बाई तरफ से सबसे बड़े अंक से मिलान करते हैं, जो बड़ी होगी वही बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर अंक बराबर नहीं है तो ज्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होगी, भले ही अंक बड़े किसमें है। देखो इसमें यहाँ नौ नौ आठ है, जबकि यहाँ पांच से ऊपर कोई संख्या नहीं, पांच से ऊपर एक भी अंक नहीं है, फिर भी ये संख्या बड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें अंक ज्यादा हो गए हैं, एक दो तीन चार। ध्यान रहे, कोई भी संख्या जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होती, जीरो के अलावा कोई अंक आएगा तभी संख्या की शुरुआत होगी। जैसे देखिए यहाँ पर दो दो अंक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही अंक माना जाएगा, क्योंकि जीरो से शुरुआत हो ही नहीं सकती संख्या की। तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक अंक है, अंक बराबर है, तो इधर से देखते हैं फिर कौन सी संख्या बड़ी हुई, नौ। जीरो नौ का अर्थ नौ है और जीरो एक का अर्थ भी एक है, एक और नौ में नौ बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं तीन अंक है, लेकिन वास्तव में कितने अंक हैं? वास्तव में सिर्फ एक ही अंक है, ये दो नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या की शुरुआत नहीं होती है। जीरो के अलावा कोई अंक होना चाहिए तब संख्या की शुरुआत होगी। देखो यहाँ पर दो अंक है, यहाँ एक से शुरुआत होने के बाद भले ही बाद में जीरो आ जाए, लेकिन शुरुआत जीरो के अलावा किसी अंक से होगी, तो कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ एक अंक माना जाएगा, इसमें दो अंक, तो ये संख्या बड़ी है, इसमें ये संख्या बड़ी है। बात इसकी कर लेते हैं, सबसे पहले अंक ही गिनेंगे, एक दो तीन चार, अंक कितने? चार, एक दो तीन, सिर्फ अंक तीन है, मतलब इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार। यहाँ तीन चार अंक है, यहाँ तीन है, बड़ी अंक संख्या ये हो गई। इसे गिनते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, तो इसमें ज्यादा अंक है और ये संख्या बड़ी है। यहाँ पर ये संख्या बड़ी है, ध्यान रहे जीरो सात या जीरो जीरो सात और जीरो जीरो, ये इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली, क्योंकि इसमें अंक तीन गिने जाएंगे, इसमें अंक एक ही गिना जाएगा, क्योंकि जीरो से संख्या की शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसी से हम इसमें देखेंगे, दी गई संख्याओं के जोड़े में बड़ी संख्या पे गोला खींचना है। ये संख्याएं दी हैं एक एक जोड़ा, इसमें आपको बड़ी संख्या जो है उस पर गोला खींचना है। देखिए एक दो तीन, तीन अंक है, अब हमें इधर से मिलाना है, ये यहाँ सैकड़े का अंक एक है, यहाँ सैकड़े का पांच है, आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा बड़ी संख्या ये होगी। चलिए इसे देख लेते हैं, अंक गिने, एक दो तीन, एक दो तीन चार, अब मिलाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा अंक हो गए तो ये बड़ी हो गई। ऐसे ही एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच अंक है, इसमें चार है, ये बड़ी हो गई। अंक अगर ज्यादा है तब तो बड़ी ज्यादा अंक वाली होगी, लेकिन अंक बराबर होंगे तो लेफ्ट साइड से मिलाते हैं, वही संख्या बड़ी होगी, इसमें लेफ्ट साइड का सबसे अंक बड़ा होगा। जैसे एक दो तीन चार,
एक दो तीन, इसमें तीन ही, इसमें चार, ये बड़ी अंक, और ये इसमें एक ही अंक गिना जाएगा, इसमें दो तो ये बड़ी हो गई, इसमें एक इसमें दो तो ये बड़ी हो गई। ये तो अंकों की संख्या हमने देखी, इसमें पहला ही अंक बड़ा हो गया। अब हम एक नए तरीके की संख्या देखेंगे जिसमें अंक समान होंगे, अंक समान होंगे, अंकों की संख्या समान है लेकिन पहला अंक भी बराबर आएगा। अंकों की संख्या तीन तीन है, तो पहले अंक से इधर से सैकड़ा अंक दोनों में चार है, हम कह नहीं सकते कि उनसे बड़ी है। दूसरे से मिलाइए, दूसरा कौन सा बड़ा है इसका, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बड़ा ही हो गई, ये छोटी हो गई। इधर से मिलाते हुए जाते हैं, जिसमें बड़ा पहला अगर बराबर है, दूसरा देखें, दूसरा बड़ा हो गया तो वही बड़ी हो जाएगी, और दूसरा भी बराबर है तीसरा बड़ा होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ये संख्याएं हैं, दोनों में अंक चार चार हैं, तो इधर देखिए तीन तीन दोनों में है, सात सात दोनों में है, पांच पांच भी मिल गया। यहां तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया, सबसे आखिर में दिखाई पड़ा हमें, इसमें नौ निकला, इसमें आठ निकला, तो फिर इसका पलड़ा भारी है, ये संख्या बड़ी है। आगे हम और देख लेते हैं, अगर दशमलव में आ जाए तब भी हम देखते हैं कैसे पता लगेगा, हालांकि ये बड़ी क्लास का है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। तो इसमें भी दशमलव से पहले सब ऐसे ही मिलाते हैं, तीन अंक है, तीन अंक है, मिला लीजिए यहां से बराबर बराबर, ये भी बराबर, दशमलव के बाद मिलाते हैं पहला, ये भी, ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब संख्या बड़ी ही होगी, मतलब मिला के हम इधर से ही जाएंगे। अगर दशमलव से पहले अंकों की संख्या समान है तब ऐसा करेंगे, दशमलव से पहले अगर बड़ी बड़े अंक हैं, जैसे ये संख्या आई है पाँच, इधर हमने 5.1 कर दिया है, जबकि इधर हमने पाँच में 25 करते हैं या 725 कर लेते हैं, और यहाँ 9.876 करते हैं। संख्या कौन सी बड़ी होगी हमें देखना है, तो दशमलव से पहले अंक मिला लें, जिसमें ज़्यादा होंगे वही संख्या बड़ी होगी। देखिए इसमें ज़्यादा अंक है दशमलव से पहले, तो संख्या बड़ी हो जाएगी, भले ही इसमें आगे ज़्यादा बड़ी संख्या इधर एक ही है, तो संख्या ये बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर दशमलव से पहले अंकों की संख्या समान है, तो फिर हम लेफ्ट साइड से इधर से मिलाते हुए जाएंगे, जहाँ पर बड़ा निकला वही संख्या बड़ी होगी। जैसे अगर ऐसा होता, और तब देखिए तीन अंक दशमलव के बाद पहला एक मिल गया है जीरो, ये बड़ी निकल गई ना संख्या, वही बड़ी, ऐसे ही मिलाना है आगे।